हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के ट्यूटोरियल में हम पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स को कवर करेंगे तो इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने पासवर्ड क्रैकिंग टॉपिक का स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है और इसकी कुछ हमने दो टेक्निक्स देख ली थी आज हम थ्री टू तो सिक्स मतलब चार और टेक्निक्स कवर करेंगे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल तो वो पार्ट वन ज़रूर देख लेना तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है तो आ, वीडियो स्टार्ट करने के बोले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब है फटाफट -फड़ से कर दो मेरे वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दीजिए थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आ, हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड टेक्निक्स दैट इज़ रेम्बो टेबल अटैक अब इस टेक्निक में आप वर्ड देखें टेबल यूज़ हुआ है तो फॉर श्योर इस टेक्निक में किसी टेबल का यूज़ हो रहा है अरे वो कौन सी टेबल है हम समझते हैं तो जनरली क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पासवर्ड रहता है वो सर्वर पे स्टोर होने के पहले वो पहले इंक्रिप्ट uh, होता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड है ए बी सी तो वो कुछ नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा फिर ही वो पासवर्ड जाके टेबल में स्टोर uh, होगा ठीक है जैसे यूज़र आई डी वन टू थ्री के लिए पासवर्ड कौन सा स्टोर होगा इंक्रिप्टेड वाला स्टोर होगा अब दिस इज़ द फैक्ट अब जनरली क्या होता है कि इंक्रिप्शन के लिए हैशिंग टेक्निक्स यूज होती है।, है ना मतलब कि ए बी सी जो है वो इनक्रिप्ट होकर एक हैश कोड में कन्वर्ट होता है और ये हैश कोड जनरली पासवर्ड फील्ड में स्टोर होता है तो इसी चीज का जो अटैकर्स है वो फ़ायदा उठाते हैं ठीक है अब जो रेनबो टेबल अटैक में क्या होता है कि अटैकर एक टेबल मेंटेन करते हैं उस टेबल में क्या रहती है ऑल पॉसिबल हैशेस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इस टेबल में क्या है हैश ठीक है अब हैश क्या है इन अगर किसी को नहीं पता है तो ज, इजी लैंग्वेज में आप समझिए कि हैश जो है वो अनरीडेबल फॉर्मेट है और हर एक वर्ड के लिए हैश यूनिक जनरेट होती है ठीक है अब इसमें क्या रहेगी हैश ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स ठीक है और इस हैश रेनबो टेबल इसको हम क्या बोलेंगे रेनबो टेबल और इस रेनबो टेबल का यूज करके ही जो अटैकर होता है वन बाय वन पासवर्ड वेबसाइट में डालने की कोशिश करता है ठीक है अब द पासवर्ड आर स्टोर्ड इन द सर्वर इन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट या हमने देखा जनरली द पासवर्ड आर कन्वर्टेड इन द हैशेस और हैशेस आर स्टोर इन द सर्वर तो पासवर्ड पहले जनरली क्या होता है हैश में कन्वर्ट होता है फिर सर्वर में स्टोर होता है तो uh, हैकर जो है वो पासवर्ड हैश को क्रैक करके ऑथेंटिकेशन गेन करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब हैकर्स क्या करते हैं वो एक रेनबो टेबल मेंटेन करते हैं अब इस रेनबो टेबल क्या होती है इसमें लिस्ट ऑफ प्री कंप्यूटेड हैशेस ऑफ पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन है ना ये सिंपल बताया इसमें क्या होता है बहुत सारी हैशेस होती है प्री कंप्यूटेड हैशेस और जो हैकर्स है वो इन्हीं हैश का यूज़ करके हैक क्रैक करने की कोशिश करते हैं सिंपल था अब नेक्स्ट टेक्निक है फिशिंग ये फ़िशिंग टेक्निक आपने पहले भी मेरे लेक्चर्स में पढ़ी होगी अब इस टेक्निक में क्या होता है कि आ, जो अटैकर है वो बंदे को फूल बनाते हैं है ना और उससे वेब यूज़र आईडी और पासवर्ड गेन करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल अटैकर ने क्या करा विक्टिम को एक ईमेल भेजा जिसमें एक अटैचमेंट है ठीक है वो अटैचमेंट को जैसे ही विक्टिम ने ओपन किया तो एक मालवेयर मालवेयर मतलब ऐसा कोई भी आ, ऐसा कोई भी एक तरीके से ऐसा कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी जो हमारे प्रोग्राम को जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकता है तो इस अटैचमेंट क्या कर सकता है मालवेयर इंस्टॉल कर देगा या इस अटैचमेंट यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा ठीक है टू यूज़ देयर ई मेल टू साइन इन टू द फेक वेबसाइट इंस्टीड ऑफ रियल वन है ना मतलब जैसे ही यूज़र ने वो अटैचमेंट पे क्लिक करा तो एक प्रॉम्प्ट आएगा और वो बोलेगा कि अपने बैंक की वेबसाइट पे यहाँ से चले जाओ और आप फटाफट अपना पासवर्ड रीसेट कर लो नहीं तो क्या होगा आपके बैंक में जितने भी uh, मतलब आप बाद में उसको रीसेट नहीं कर पाओगे तो ऐसे अटैकर फूल बनाने की कोशिश करेगा तो फिशिंग में क्या होता है दिस टेक्निक डज नॉट यूज़ पासवर्ड क्रैकिंग टूल इसमें कोई भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल नहीं लगता इसमें क्या होता है अटैकर यूजर को फूल करता है एक ई अटैचमेंट भेज के और जैसे ही यूजर अटैचमेंट पर क्लिक करेगा तो मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा या यूजर को एक प्रॉम्प्ट आएगा कि वो अपने ई को साइन इन से वेबसाइट पे लॉगिन करे और जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो यूजर फेक वेबसाइट पे पहुंच के अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा ठीक है अब नेक्स्ट टेक्निक है मालवेयर अब इस टेक्निक में भी सबसे पहले तो मालवेयर भी एक टेक्निक है इस टेक्निक में भी किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है मालवेयर भी एक तरीके का वायरस ही होता है वो इसके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है अब कुछ मालवेयर है जैसे कि की, की लॉगर और स्क्रैपर्स अब की लॉगर क्या करता है ये एक ऐसा टूल है ये मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है ठीक है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो वो कोई भी कीबोर्ड में की टाइप कर रहा है तो वो उसको ट्रैक कर लेगा कहीं रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अटैकर को भेज सकता है वो सारे रिकॉर्ड्स ठीक है ये क्या करता है की स्ट्रोक की स्ट्रोक मतलब जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं उसको की स्ट्रोक बोलते हैं तो जैसे ही की आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ ठीक है तो आपके हर एक की को ट्रैक करने लग जाएगा कि आपने क्या डाला है अगर मान लो कि लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हो किसी अपनी बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे हो तो की लॉगर वो भी वो भी रिकॉर्ड कर लेगा और स्क्रैपर स्क्रैपर क्या है एक ऐसा टूल है जो स्क्रीन ले लेता है रैंडमली अब जनरली क्या है आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके स्क्रीन किसी ने ले लिया उसके बाद पासवर्ड गेसिंग ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अटैकर हो सकता है कि सिर्फ क्या करे आपके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन पता है उसको तो वो क्या करे विक्टम का पासवर्ड जो है वो गेस करने की कोशिश करे है ना और जनरली क्या करते हैं एज ए यूज़र हम कॉमन पासवर्ड रखना प्रिफर करते हैं तो इसी चीज़ का अटैकर फायदा उठाते हैं तो अटैकर में भी गैस द पासवर्ड और इसमें भी किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है अगर अटैकर के पास विक्टिम की इनफ इन्फॉर्मेशन है और विक्टिम कॉनम कॉमन पासवर्ड यूज़ कर रहा है तो पासवर्ड गेसिंग बहुत ईजी हो जाती है तो ये सिंपल था कुछ कॉमन पासवर्ड ट्रैकिंग टूल्स है जिससे कि कॉइन एंड एबिल ये जो है वो पासवर्ड रिकवरी टूल है ठीक है इसकी हेल्प से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो अब ये जॉन एंड रिपर ये बहुत कॉमन टूल है आपने सुना भी होगा तो ये भी एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो डिक्शनरी अटैक टेक्निक को यूज करता है फिर है ऑफ क्रैक ये ये भी एक टूल है जो रेनबो टेबल और ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक को यूज़ करता है ठीक है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना जरूर आ, मत भूलिएगा मिलता है कल के ट्यूटोरियल में तब तब के लिए टाटा बाय बाय